जापान को हम उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। जापान दुनिया के सबसे मेहनती देशों में से एक है। खूबसूरती और टेक्नोलॉजी इस देश की पहचान है। इस देश का नाम कुछ भी नया करने में सबसे आगे रहता है। यहाँ के लोग कितने मेहनती होते हैं इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने इस देश को तहस नहस कर दिया था, लेकिन जापान के मेहनती लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर जापान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों की कतार में खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, लेकिन जापान के लोग इन भूकंपों से ज्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि जापान का लगभग हर घर अर्थक्वेक प्रूफ है। जापान लगभग 6800 द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश में क्लासरूम की सफाई स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर करते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां का आम इंसान 82 साल से ज्यादा जीता है। जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के 50,000 से भी ज्यादा लोग हैं। जापान के पास किसी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन नहीं है और वो हर साल सैकड़ों भूकंप भी झेलता है, लेकिन उसके बाद भी जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। वैसे तो सुमो रेसलिंग जापान का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन जापान के युवाओं का इससे इंटरेस्ट कम हो रहा है और उनकी रुचि फुटबॉल और बेसबॉल में काफी बढ़ रही है। जापान की गेट टावर बिल्डिंग अपने प्रकार की दुनिया में एक लौती बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बीच से हाईवे निकलता है। भारत में जहां काली बिल्ली को अपशगुन माना जाता है, वहीं काली बिल्ली को जापान में भाग्यशाली माना जाता है। जापान में 90% से ज्यादा फोन वाटरप्रूफ है क्योंकि यहां के लोग नहाते समय भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है। टोयोटा, सुजुकी, होंडा, निसान, यामाहा, ये सारी कंपनीज जापान की ही हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि जापान के लोगों को घोड़े का मीट खाने का शौक है। इस मीट को वो लोग कच्चा ही खा जाते हैं। इस व्यंजन को बशाशी का नाम दिया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। अकेले टोक्यो शहर में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है। जापान की पुरानी राजधानी का नाम क्योटो है, जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर है। क्योटो में 1600 से अधिक बौद्ध मंदिर हैं। भारत में बनारस शहर का भी क्योटो की ही तरह निर्माण किया जा रहा है। माउंट फुजी जापान की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इस पर हर साल करीब 1 मिलियन जापानी चढ़ाई करते हैं। जापान और रशिया में आज तक शांति समझौता नहीं हो पाया है। कागजों पर जापान और रशिया का युद्ध चल रहा है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए युद्ध पर शांति समझौता नहीं हो सका है। इसकी वजह बना कुरील द्वीप समूह, जिस पर दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। इस तरह से दोनों पक्षों के बीच अब भी युद्ध जारी है। आमतौर पर जहां दुनिया भर में ऑफिस में सोना बेहद गलत माना जाता है, वहीं जापान में इससे उलट मान्यता है। कहा जाता है कि ऑफिस में अगर कोई स्टाफ अचानक सोने लगे तो माना जाता है कि उसके ऊपर काफी काम का बोझ है। बॉस के सामने उसकी छवि खराब होने की बजाय अच्छी हो जाती है। जापान की इस अजीबोगरीब चलन के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में खुद को अलग थलग करके जीने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस चलन में कई युवा खुद को एक कमरे में सीमित कर लेते हैं। ये युवा बाहरी दुनिया से कॉन्टेक्ट खत्म कर लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख से 10 लाख तक बताई जाती है। कैप्सूल होटल्स। कई बार आपको ट्रेवल के दौरान आराम करने के लिए सिर्फ एक बेड की ही जरूरत होती है। जापान ने इसका समाधान ढूंढ निकाला है। यहाँ कैप्सूल होटल्स बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ एक बेड जितनी जगह होती है, लेकिन वाईफाई और टीवी जैसी सुविधाएं भी रहती हैं। जहां दुनिया भर में
सही आकार का दांत नहीं होना खराब माना जाता है और लोग उसे बेहतर शेप दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जापान में बीते कुछ सालों में एक अलग ही चलन देखा गया है। यहाँ के युवा अपने दांतों को सामान्य से अलग शेप दिलाने में जुटे हुए हैं। कई युवा दांतों की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर उसे इम्परफेक्ट शेप दिलवाते हैं। जहां दुनिया भर में टिप देना काफी कॉमन बात है, वहीं जापान में टिप देने पर सामने वाला बेहद असहज हो सकता है। जापान में वेटर, ड्राइवर या अन्य वर्कर सामान्य तौर पर टिप लेना पसंद नहीं करते। टिप मिलने पर वे अपने सीनियर से भी शिकायत कर देते हैं। कई बार वेटर टूरिस्ट की ओर से टिप देने पर उसे वापस भी कर देते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप आगे आने वाले वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने पर दो बातें हुई होंगी, या तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या बेकार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट्स में बताएं भी कि क्यों बेकार लगा। स्पेस ट्रिप। अभी तक दुनिया भर में केवल 550 लोग ही अंतरिक्ष की यात्रा कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां इस नंबर को आगे बढ़ाना चाहती हैं, जैसे वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेसएक्स। ये कंपनियां आम लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाने के मिशन पर कार्य कर रही हैं और इसके लिए विशेष प्रकार का स्पेस ट्रिप डिजाइन किया जा रहा है। अगले 4 से 5 वर्षों में पहली कमर्शियल फ्लाइट भेजी जाएगी। इसके साथ साथ अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में जाने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मंगवाए थे। विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के बाद कुछ चुने हुए व्यक्तियों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाई जाएगी। और कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने 2030 तक अंतरिक्ष में होटल और मानव बस्तियां बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। हमारी इस धरती पर 80 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, पर इंसान में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है? वैसे तो कई बातें हैं जो हमें अलग बनाती हैं, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो है मानवता, इंसानियत। इन मूल्यों की जरूरत इंसान को जितनी आज है उतनी इतिहास में पहले कभी नहीं थी। आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो केवल और केवल पैसे के हिसाब से आपको आंकता है। ऐसे अमानवीय समाज में ये बहुत जरूरी है कि आप किसी जरूरतमंद को मदद का हाथ दें। आज हम जानेंगे ऐसी ही 7 सच्ची कहानियों के बारे में जिनसे इंसानियत पर आपका विश्वास दोबारा होने लगेगा। पिछले कई वर्षों से भारतीय वैज्ञानिकों की संदिग्ध हालात में मौत की खबरों ने सबको हैरान कर दिया है। परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से मुहैया कराए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 2009 से 2013 के बीच 11 परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत हुई है। 1995 से लेकर 2010 के बीच परमाणु ऊर्जा विभाग के कुल 32 केंद्रों में 197 संदिग्ध मौतों के मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार इन सबको सामान्य घटना मानती आई है। जिन रहस्यमयी तरीकों से वैज्ञानिकों की हत्या हो रही है वो कुछ वैसे ही तरीके हैं जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे पाकिस्तान की ISI, अमेरिका की CIA और रशिया की KGB इस्तेमाल करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था और उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर था और सोच रहा था कि काश कोई उसकी कंपनी को बंद होने से बचा ले। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया और बोला, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं, कृपया अपनी समस्या मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बिजनेसमैन ने अपनी समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। बिजनेसमैन की समस्या सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक चेक लिखकर व्यवसायी को दे दिया और कहा, तुम ये पैसे रख लो और ठीक 1 साल के बाद हम यहाँ पे फिर मिलेंगे, तो मुझे ये पैसे वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई उसके हाथों में। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सफल होंगे या असफल होंगे, खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, शांत रहेंगे या चिड़चिड़े रहेंगे, ये सारी की सारी बातें केवल और केवल एक बात पे डिपेंड करती हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, और उसे ही कहते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी।
हर व्यक्ति अपने मनोविज्ञान के अनुसार व्यवहार करता है। आज हम जिन मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, उन्हें जानने के बाद आप खुद को और अपने परिजनों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब एक इंसान मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी की सभी यादें एक सपने की तरह देखता है। आप जानकर हैरान होंगे कि 80% लोग म्यूजिक सिर्फ नकारात्मक विचारों या नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए सुनते हैं। जैसा आपका दिमाग सोचता है, वैसे ही आपके शरीर की हर कोशिका यानी सेल रिएक्ट करती है। इसलिए ज्यादा नेगेटिव सोचने पर आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है और उसका आंसर आप सार्कास्म या ताने के साथ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग स्वस्थ है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी को गले लगाना आपके नर्वस सिस्टम में पेन किलर की तरह काम करता है। जब आप प्यार में या रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो आपके कम से कम 2 दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं।